हमारी पहली जो किस्त थी और सेकेंड लिफ्ट से आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो सेकेंड वार्मअप है वो आपको इसलिए करनी है, तो मुझे नाम नहीं पता, बट ये है कि अपनी बॉडी वेट पे ही करना, ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले साइज होने वाली है वो एग्जैक्ट क्रॉस है, देन आप इसको लेके भी कर सकते हो, बट इसको बैठ के करने से जो हमारे दोनों ट्राइसेप के ऊपर अच्छे से कितना रिकवर होता है, देन मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपको तीन स्टेप लगाने हैं, इसके वेट अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। आ गया। हां तो फ्रेंड्स हमारी सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है वो हम बेसिकली आपने बहुत बार की होगी, बट इसको करते करते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं बताता पहले आपको अगले रॉड को इसकी भरोसे पकड़ना है, ना कि इसके भरोसे, आपको इसके इसके सपोर्ट लेके पकड़ना है। हाँ हाँ दिख रहा दिख रहा। आप वेट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड आप चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो फ्रेंड जैसे कि तुमने कभी नोटिस किया होगा कि हम जो लेग लगाते हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही हमारे ट्राइसेप के लिए जो मैं कल बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली मान लो ये एक्सरसाइज ट्राइसेप की बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसको लगाना कैसे है देन मैं बताऊँगा। अपना बिल्कुल बेंच पे जैसा ही है, बट उसमें बेंच पे में अपने क्या है दूर पकड़ते हैं, इसमें हम क्लोज करते हैं। तो अरे यार चेंज कर देते हैं, चेस्ट पे नहीं लाना है, इस चीज़ को चेस्ट पे नहीं लाना है, उसको चेस्ट पे थोड़ा नीचे लाना है।
ऐसे करके आपको तीन सेट लगा रहे हैं, देन आप वेट अपने हिसाब से देख सकते हो। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं वीडियो में बताना चाहूँगा कि देखो भाई, वेट करना कुछ नहीं होता, बस जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सेट अच्छे से लगाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दो और वेट पीछे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो अभी से होने वाली है सुपर सेट हुआ, तो पहले हम रोप पे लगाएंगे। और रोप पे आप नॉर्मली यहाँ से ऊपर करते हो, देन एडी करो कि वो गलत है, वो भी सही है, बट मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप क्रॉस पकड़िएगा और पूरा नीचे तक ले जाएगा इसको। इसको लगाने के बाद तुरंत हम अपने ब्रेंच पे चले गए। ऐसे करके आपको तीन सेट लगाने हैं। और अब चलते हैं हमारे जो बोनस, जो हमारा बोनस साइज है। तो फाइनली गाइस, अब हम अपना आ चुके हैं बोनस सेट की तरफ। एंड बोनस सेट पे आपको क्या करना है, वन हैंड लगानी है, और वन हैंड के बाद क्या करना है वो भी आपको बताऊँगा। तो पहले सेट लगाते हैं। तो ऐसे करके आपको दोनों हाथ में लगा रहे हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कि आपको हर सेट के बाद पोजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि अपना जो मसल्स है वो मतलब बहुत हम पोजिंग करते हैं, जिससे हम लोगों को क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज रहती है, जिससे हमारी जो मसल्स है वो पम्प होती है और अच्छी तरह से पम्प होती है। पोजिंग कैसे करें ट्राई सेट की मैं बता देता हूँ आपको। आपको सिंपल क्या करना है, इसलिए आपको पीछे करना है और ऐसे बिल्कुल उसके हाथ ऐसे पैसे पर पकड़ना है और ऐसे बिल्कुल पीछे पूछना है, जितनी भी उतना पीछे भी होता है इसलिए आपको पैसे वैसे आपकी होती अच्छी होती है। आई होप गाइस दिस वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और आप अपने अपने गाइस के साइज को जरूर ऐड कर लेना, जिससे आपकी आर्म साइज बढ़ेगी। एंड आई होप गाइस आपको एक जो छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो जो अभी नया जिम स्टार्ट किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।